नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज्यादा बोनस देने वाले शेयर के बारे में। एक ऐसा शेयर जिसमें अगर आप 1000 शेयर बाय किए होते तो अभी आपका वो शेयर 1,20,000 शेयर होता। मतलब आपका 1000 शेयर बन गया 1,20,000 शेयर। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिटर्न आपको उस पर प्राप्त होगा। साथ ही साथ शेयर का प्राइस भी 40,000% का रिटर्न, शेयर का प्राइस भी 40,000% अप हो चुका है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन शेयर है कि एक शेयर का प्राइस भी 40,000% से ज़्यादा राइज हुआ है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपका वो 1000 शेयर आपका 1,20,000 शेयर हो गया। तो ऐसे ही शेयर के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ये शेयर है हमारा फार्मा स्टॉक से, मतलब फार्मा सेक्टर का ये सबसे बेहतरीन शेयर है जो कि सबसे ज़्यादा बोनस दिया है अपने इन्वेस्टर को अभी तक। हो सकता है ये आगे भी आपको अच्छा रिटर्न दे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे ये आपके 1000 शेयर को 1,20,000 शेयर बनाया है। मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि 2006 के मार्च में ये 2:1 का बोनस दिया है। तो हम मान लेते हैं कि आप 99 में इसमें इन्वेस्ट किए या 2000 के शुरुआत में इन्वेस्ट किए, आपको 2:1 का बोनस मिला। 1000 शेयर आपने बाय किया, मतलब 1000 शेयर पे 2000 शेयर फ्री, क्योंकि यहाँ 2:1 है, मतलब एक शेयर पे 2 शेयर फ्री। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये इसका अर्थ हुआ 2:1 का 2 शेयर पे 1 शेयर। नहीं, आप जो कभी इंटरमीडिएट में कॉमर्स लेवल में पढ़े होंगे, कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि आप जो इंटरमीडिएट में पढ़ लिए होंगे वैसा यहाँ नहीं है। 2:1 का मतलब हुआ 2 शेयर फ्री है एक शेयर पे। आप गूगल पे सर्च कर लें, चाहे कंपनी का कमेंट्री आता है या कोई आप शेयर होल्ड किए हैं, आप शेयर रखे हुए हैं वहाँ पर बोनस मिलता है, तो उससे भी सीख सकते हैं। आप बोनस जैसे रखे हुए हैं, कभी भी 2 शेयर आपको 2:1 का बोनस दिया तो आपका कितना शेयर हो जाएगा, 2 शेयर, 1 शेयर पे 2 फ्री, तो 2 शेयर पे 4 शेयर फ्री, तो 6 शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ से भी आप सीख सकते हैं जब आप शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर 2:1 का बोनस आपको मिला, तो हो गया कितना, 1000 पे 2000 शेयर फ्री मिला, तो आपके पास हो गया कुल 2000 शेयर फ्री। पहले से 1000 शेयर 3000 शेयर, फिर 1:1 का 1:1 शेयर फ्री, तो 3000 था आपके पास, तो 6000 हो जाएगा डबल सीधे। 1:1 फिर से, तो 6000 हो जाएगा आपका 12,000। तो ये हो गया यहाँ से बोनस से आपने देख लिया। अब स्प्लिट, ये भी आपके लिए किसका काम करता है, सेम टू सेम बोनस का काम करता है। फिर यहाँ पर फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ 10:5 में, तो फेस वैल्यू को हाफ किया गया तो आपका शेयर उसी रेशियो में दोगुना हो जाएगा। हाफ किया तो दोगुना, तो आपके पास 6000 शेयर हो गया। पहले से कितना था आपके पास, यहाँ से आपने देखा था 3000 का 6000 का 12000 शेयर था आपके पास, तो 12000 शेयर यहाँ से दोगुना हो जाएगा 24000 शेयर। फिर यहाँ 5:1, तो 5:1 किया, 5 के रेशियो में से फेस वैल्यू को स्प्लिट किया, ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू को 5 के रेशियो में स्प्लिट किया तो आपका शेयर 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 24,000 शेयर जो था आपके पास अब क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स, तो 24,000 गुना 5 कितना हो गया, 1,20,000 शेयर। तो आपने यहाँ पर देख लिया आपका जो 1000 शेयर था वो हो गया 1,20,000 शेयर। तो वहाँ पे आपने कितना रिटर्न प्राप्त किया, नंबर ऑफ शेयर्स आपका 120 टाइम्स हो गया, 120 टाइम्स आपका नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। उसके बाद आपका जो शेयर का प्राइस पर रिटर्न है वो भी आपको दिखाएंगे, तो कि शेयर का प्राइस आपका कितना टाइम्स हो गया। तो चलिए हम शेयर के प्राइस पर चलते हैं, आपके शेयर का प्राइस आपका कितना टाइम्स हो गया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सन फार्मास्यूटिकल्स जो है ये वो कंपनी है जो कि आपके शेयर को 1000 शेयर को 1,20,000 शेयर बना दिया, 1,20,000 शेयर। और इस कंपनी का देख सकते हैं आप यहाँ से रिटर्न। अब हम देखते हैं कि शेयर का प्राइस कितना, अभी भी मतलब इतना स्टॉक स्प्लिट बोनस देने के बाद भी शेयर का प्राइस देख सकते हैं 49,000% का रिटर्न दिया है 2015 तक में। मतलब आप अगर 2015 में सेल किए होते, मतलब 2015 में अपना प्रॉफिट बुक करते, तो आपको 49,000% का रिटर्न प्राप्त होता आपके शेयर का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उस पर। समझ सकते हैं, मतलब आप जो अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं उस पे, साथ ही साथ आपका नंबर ऑफ शेयर्स भी 120 टाइम्स हो चुका है, और आपका जो अमाउंट था उस अमाउंट पे कितना का रिटर्न प्राप्त हुआ है, 49,000% का रिटर्न।
साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी काफ़ी बेहतरीन मिला है, हर साल आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिला है, डिविडेंड को भी कैलकुलेट करेंगे। और अभी आप तक अगर आप होल्ड किए रहते तो अभी आपको 20,000% का रिटर्न उस पर प्राप्त होता। तो समझ सकते हैं कि कभी कभी प्रॉफिट बुक करना भी बेहतरीन होता है। यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी समय से, मतलब पिछले 2015 से ही फार्मा स्टॉक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म है। तो वहाँ से देख सकते हैं कि ये जहाँ 50,000% का रिटर्न मिल रहा था, वहाँ आपको आप मात्र 21,000% का रिटर्न मिलेगा। तो प्रॉफिट बुक करना भी कभी कभी काफ़ी बेहतर होता है, इसलिए आप जब देखें आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ पर प्रॉफिट भी बुक कर लें। तो ये था सन फार्मास्यूटिकल, जिसमें काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता अगर आप इन्वेस्ट किए होते। ऐसे ऐसे बहुत सारे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिसको हम लेकर आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डिविडेंड को देख लेते हैं कि आपको डिविडेंड कितना परसेंट इसमें प्राप्त होता। तो यहाँ पर हम जाते हैं इसके कॉर्पोरेट एक्शन में, कॉर्पोरेट एक्शन से ही हम बोनस को भी देखते हैं, स्प्लिट को भी देखते हैं, तो डिविडेंड को भी देखेंगे। आपके पास है 1,20,000 शेयर, 1,20,000 शेयर, यहाँ पर देखते हैं 300% का डिविडेंड, 275% का डिविडेंड, 200% का, फिर 350% का, कभी 100% का, मतलब 200% का डिविडेंड एवरेज रूप से मान लेते हैं। तो आपका जो डिविडेंड होगा 1,20,000 शेयर पर, तो उसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 2,40,000, 2,40,000 हर साल आपका डिविडेंड होगा अगर आप 1,000 शेयर मात्र इसका खरीदे होते 2000 ईस्वी में। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन स्टॉक्स, इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। इसके फंडामेंटल्स की चर्चा हम आगे करेंगे, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कंपनी के पास डेप्ट कितना है, तो सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वैल्यूएशन देख लीजिए इस कंपनी का। तो वैल्यूएशन में यहाँ देखते हैं 1,14,000 का मार्केट कैप है कंपनी का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है, और पी रेशियो 35 का है और इंडस्ट्री का 31 का, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। डिविडेंड यहाँ पर देख सकते हैं, डिविडेंड परसेंट काफ़ी आपको 400%, हमने तो 200% ही कैलकुलेट किया आपके लिए कि आपको 2,40,000 मिलेगा। अगर यहाँ से 400% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4,80,000 का डिविडेंड हर साल। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये, आपको रिटर्न भी दिया ज़बरदस्त, साथ ही डिविडेंड भी ज़बरदस्त और बोनस भी ज़बरदस्त। तो रिटर्न भी प्राप्त कीजिए अच्छा खासा, डिविडेंड भी प्राप्त कीजिए और बोनस शेयर भी प्राप्त कीजिए, इतना बेहतरीन स्टॉक्स। तो ऐसे ही स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको हर तरह से बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हो। उसके बाद यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब प्राइस जो है 4x है बुक वैल्यू के। डिलीवरी भी देख सकते हैं, 30% का डिलीवरी है इसमें। आपने ये तो देख लिया, कॉर्पोरेट एक्शन देख लिया, फाइनेंशियल देख लेते हैं आप कंपनी का। तो यहाँ पर देखते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल पर आ चुके हैं। तो सेल्स देख लीजिए, यहाँ से कंपनी का सेल्स लगातार कांस्टेंट रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज कभी थोड़ा सा डिक्रीज। और प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट 723 करोड़, वहीं इस क्वार्टर में जून क्वार्टर में 1501 करोड़, 1167 करोड़, 1023 करोड़, मार्च क्वार्टर में 494 करोड़। तो यहाँ पर प्रॉफिट काफ़ी फॉल हुआ है, देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में हमेशा लो रहा है, देख सकते हैं मार्च 2019 में भी कम था, अब की बार कुछ ज़्यादा ही जो प्रॉफिट है कंपनी का वो कुछ ज़्यादा ही कम है, जबकि सेल्स लगभग सेम रहा था। तो इंक्रीज क्या हुआ, एक्सपेंडिचर, टोटल जो एक्सपेंडिचर वो काफ़ी इंक्रीज हुआ कंपनी का। अब हम कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं, कंपनी पे कितना रिजर्व है कंपनी के पास, डेप्ट कितना है। तो यहाँ से देखते हैं जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, टोटल जो शेयर कैपिटल है, मतलब टोटल जो शेयर कैपिटल है कंपनी के पास 239 करोड़ का शेयर कैपिटल है कंपनी के पास। रिजर्व कंपनी के पास कितना है, 24,000 करोड़ का। तो समझ सकते हैं इस कंपनी को जब भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होगा आपको बहुत ही ज़्यादा बोनस देने वाली है ये कंपनी। देख सकते हैं 24,000 करोड़ का इसके पास रिजर्व है कंपनी के पास, जब भी ये रिजर्व सरप्लस कैश यूज करना चाहेगा तो आप बोनस के रूप में क्या करेगा, नया शेयर देगा अपने शेयर होल्डर को फ्री में। तो यहाँ पर डेप्ट कंपनी के पास मात्र 5,700 का डेप्ट है कंपनी के पास, जो कि रिजर्व के मामले में काफ़ी कम है कंपनी के पास डेप्ट। उसके बाद अगला चलते हैं, कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास 654 करोड़ है। उसके बाद टोटल करेंट एसेट जो है कंपनी के पास देखते हैं 9,400 करोड़ का टोटल करेंट एसेट है कंपनी के पास। तो करेंट में इतना एसेट है कंपनी के पास, तो नेट करेंट एसेट 6,900 करोड़ का है। और वहीं बुक वैल्यू कंपनी का देख सकते हैं लगातार बिल्डअप हुआ है, देख सकते हैं बुक वैल्यू बीच में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, फिर से ये 101 बुक वैल्यू है, 101
तो समझ सकते हैं यहाँ से 89 से 101 पहुँच चुका है बुक वैल्यू, तो काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का हर फंडामेंटल्स, हर पैरामीटर्स जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कंपनी हर पैरामीटर्स पे काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट रेशियो को देख लेते हैं, कंपनी कैसा रिटर्न दिया है, कैसा बिजनेस किया है। अब देखिए सबसे पहले अर्निंग पर शेयर देखते हैं, काफ़ी अर्निंग पर शेयर देखते हैं, मार्च में 16 में माइनस में था, 17 में माइनस में था, इसलिए कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही थी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं मेक कर पा रही थी। वहीं 20 में, मार्च 20 में देखते हैं 13 रुपया पर शेयर का अर्निंग है, जबकि प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ है कंपनी को, उसके बाद भी अर्निंग पर शेयर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद नीचे चलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए 13% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा 25% का है, काफ़ी जंप हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE कितना है 13.45, तो इतना परसेंट का है। रिटर्न ऑन एसेट 8.36, तो काफ़ी हर चीज़ बिल्डअप हुआ है, काफ़ी बेहतरीन है। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखिएगा मात्र 0.24 है, तो कंपनी के पास कोई खास डेप्ट नहीं है, काफ़ी मतलब जो है मात्र 24% का डेप्ट है कंपनी के पास अपने एसेट का, मतलब अपने इक्विटी जो है कंपनी के पास इक्विटी का मात्र 2.24% मात्र कंपनी के पास डेप्ट है। तो ये है डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो सारे फंडामेंटल्स आपने देख लिए लगभग जो फंडामेंटल्स हैं, अब आपको कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के आगे के बिजनेस ग्रोथ को देखना है, और कंपनी के पास रिजर्व कैश बहुत ज़्यादा है, तो आपको आगे भी ये बहुत अच्छा बोनस शेयर आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ ग्रोथ कंपनी का देखना है तो बिजनेस को देखना पड़ेगा, इसके मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री है, प्रमोटर्स मैनेजमेंट इन सारे के कमेंट्री को आप देखते रहिए कि वो क्या चाहते हैं, आगे कंपनी का क्या गोल है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा कंपनी के बारे में समझने में मदद किया होगा, इस स्टॉक के बारे में समझने में मदद किया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ ही साथ कहें अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन खुद का रिसर्च अपना कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लें। हमारा जो पर्पज़ था वो एक एजुकेशनल वीडियो था, आपको एजुकेट करना था इस स्टॉक्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा।